चलिए सो आगे करते हैं। हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है फाइंड लैम्डा एंड म्यू। इस साइन को ये जो यू जैसा दिख रहा है बेसिकली इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। सो फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i cap + 6j cap + 27a cap का क्रॉस अगर हम i cap + λ j cap + μk cap के साथ निकालते हैं, अगर वो जीरो आता है तो आपको निकालना है लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सो कैसे करेंगे, देखिए आपको दो चीज़ों का क्रॉस बोला है तो क्रॉस निकालना है, तो उसके लिए तो हमें डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हमने लिख दिया आई कैप जे कैप के कैप, अब क्रॉस निकालते हैं। पहले ये वाला वेक्टर है, सो 2, 6, 27 हमने वैल्यूज लिख दी। दूसरा जिसके साथ क्रॉस निकालना है उसके कॉफिशियंट्स क्या हैं, 1, जे का कॉफिशियंट लैम्डा, के का कॉफिशियंट न्यू, तो वो हमने लिख दिया। अब इसका आंसर जीरो दे रखा बट हमें अभी सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे आई कैप निकालना होता है तो मैं आई कैप की रो एंड आई कैप के कॉलम को हटा दूंगी, फिर मैं क्या देखूंगी कि 6 into new 6 new -27 into λ is -27λ, ठीक है। जैसे ये हो जाता है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जो j कैप है वो भी बेसिकली इसी तरीके से हम निकालेंगे। सो j कैप का जो रो है और j कैप की जो कॉलम है वो हम भूल जाएंगे। सो यहाँ पे j कैप की रो एंड j कैप का कॉलम, सो क्या आएगा, 2 into new 2 new 1 into 27 -27, क्योंकि बीच में माइनस आता है फॉर्मूला के और यहाँ पे जे के साथ माइनस लगता है, ये भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि के कैप का भी निकालेंगे। सो यहाँ पे के कैप की रो एंड के कैप का कॉलम हम कैंसिल कर देंगे, सो क्या होगा, 2 into λ 2λ -1 into 6 -6, तो इस तरीके से हम ये निकाल देंगे। अब सभी का आंसर क्या आ रहा है, जीरो, ये क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। तो हम मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इसी स्टेटमेंट को मैंने नीचे यहाँ पे रिपीट किया और राइट साइड पे मैंने सिर्फ कॉफिशियंट दिखाने के लिए, वैसे तो आप इमेजिन भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि राइट साइड पे जीरो है, मतलब आई कैप का भी कॉफिशियंट जीरो, जे कैप का भी जीरो, के कैप का भी जीरो। सो अभी क्योंकि हमें ये निकालनी है वैल्यूज लैम्डा एंड न्यू, तो हमने कंपेयर किया ऑन कंपेरिजन। देखो दो अगर वेक्टर्स इक्वल आ रहे हैं तो उनके आई कैप जे कैप के कैप भी बराबर होंगे। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आई कैप जो है 6 μ - 27λ, इधर आई कैप क्या है, जीरो, दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही जे कैप का कॉफिशियंट 2 μ - 27 = 0, तो ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से मैंने देखिए न्यू की वैल्यू निकाल दी 27/2, यही न्यू की वैल्यू मैं कहाँ डाल दूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगी न्यू की जगह। सो यहाँ पे न्यू की जगह 27/2 - 27λ, यहाँ से मैंने कैंसिल किया, नॉर्मल कैलकुलेशन है आपकी, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो आपको दो ही चीज़ें पूछी हुई थी, एक न्यू की वैल्यू एक लैम्डा की वैल्यू, बहुत आसानी से हमारी निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको बोला है इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, then what can you conclude about the vectors a and b, तो क्या रिजल्ट निकाल सकते हो आप यहाँ पे। देखो अगर तो पहली कंडीशन जो दे रखी है कि if a dot b 0 है, then आपको पता है दो भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो दो वेक्टर्स क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में आपको बोला है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए, तो आपको मैंने सिखाया था क्रॉस 0 होने से दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाते हैं। सो ऐसा कभी हो सकता है कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हो और दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। या तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं। सो यहाँ पे बोथ इक्वेशन 1 and 2 कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। सो यहाँ पे हम ए बी वेक्टर के बारे में नहीं कह सकते कि वो पैरेलल है या आपके परपेंडिकुलर है, हम कह सकते हैं दैट देयरफॉर ए एंड बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। बट हाँ एक कंक्लूजन जरूर निकाल सकते हैं कि इनका डॉट करने से जीरो आ रहा है, क्रॉस करने से जीरो आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि या तो ए वेक्टर जीरो रहा हो या फिर बी वेक्टर जीरो रहा हो, बट हम कुछ और नहीं इसमें बता सकते और कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करते, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज, ये आपको वेक्टर्स दे दिए कि जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से दे दिया, बी वेक्टर ये दे दिया और सी वेक्टर आपको ये दे दिया और बोला कि शो करो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी LHS और RHS ही करनी है। अब देखने में ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट वो सिर्फ देखने में है, करने में बहुत आसान है क्योंकि आपको यहाँ पे इतना A1 A2 B1 B2 दिख रहा है, सो लिखने में थोड़ा लंबा होगा बट कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है। आपको शो करना है ना, तो देखो LHS RHS से शुरू करते हैं। पहले तो हमने ये जो ए बी वेक्टर क्वेश्चन में दिए हुए थे वो हमने लिख लिए। अब LHS में देखो, आपको यहाँ पे ए वेक्टर का क्रॉस निकालना है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, तो पहले मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बी और सी वेक्टर को ऐड किया, कैसे, I1 में आई कैप में आई कैप, जे कैप में जे कैप, के कैप में के कैप। तो अब देखिए B1 प्लस C1 आई कैप, B2 प्लस C2 जे कैप, B3 प्लस C3 के कैप, ऐड कर दिया। अब इनका क्रॉस किसके साथ निकालना है, ए वेक्टर के साथ, ठीक है। तो देखो इस वेक्टर और इस वेक्टर का क्रॉस निकालना है, क्रॉस के लिए डिटर्मिनेंट लिखने पड़ते हैं, तो आई जे के कैप लिखा। अब ए वेक्टर पहले है तो उसके कॉफिशेंट पहले आएंगे, तो ए वेक्टर के कॉफिशेंट देखे, आई कैप के साथ A1 है, जे कैप के साथ A2 है, के कैप के साथ A3 है, तो मैंने यहाँ पे A1 A2 A3 लिख दिया। नीचे देखिए बी प्लस सी वेक्टर है तो उसका आई कैप का कॉफिशेंट B1 प्लस C1, जे कैप का कॉफिशेंट B2 प्लस C2, के कैप का कॉफिशेंट B3 प्लस, ये लिख दिया। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट है, एक्सपैंड कर दो डिटर्मिनेंट को। पहले हम देखिए आई कैप करेंगे तो आई कैप वाली रो और आई कैप वाला कॉलम हटा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो A2 B3 प्लस A2 C3 लिखा, देन माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A3 B2 प्लस A3 C2, बट क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस आ जाएगा। देन जे कैप वाले एरिया में आते हैं, तो जे कैप वाले एरिया में अगर हमने करना है तो जे कैप का रो एंड जे कैप की कॉलम हमें हटानी पड़ेगी, तो यहाँ पे जे कैप का रो एंड जे कैप का ये वाला कॉलम, तो क्या करेंगे A1 into this, तो A1 B3 प्लस A1 C3 वो लिख दिया। फिर माइनस आता है फॉर्मूला में, देन उल्टा इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई A3 B1 A3 C1, तो क्योंकि बाहर माइनस है ये माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो बच गया है हमारा K कैप हम वो भी कर देंगे, तो K कैप करना है तो K कैप की रो एंड K कैप का कॉलम करना पड़ेगा, तो ये कॉलम हटा दिया, रो भी हटा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, A1 B2 प्लस A1 C2 लिख दिया, माइनस फिर इन दोनों को करेंगे A2 B1 प्लस A1 C1 A2 C1 तो ये भी लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा LHS का आंसर आया। अब RHS क्या है आपके पास, ये A क्रॉस B और A क्रॉस C, तो पहले तो A क्रॉस B निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट से ही निकालते हैं, आई जे के। अब पहले A वेक्टर है तो A वेक्टर के सारे कॉफिशेंट, फिर B वेक्टर है तो दूसरी रो B वेक्टर के सारे कॉफिशेंट, ये बनते हैं। अब फिर से देखो डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर दो, मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने मैंने सिखा दिए हैं, पहले भी आपने किए ही हुए हैं, तो ये हमने A क्रॉस B वेक्टर का निकाल दिया। अब और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, यहाँ पे A क्रॉस C वेक्टर भी चाहिए, फिर दोनों का ऐड करना है, तो हमने A क्रॉस C वेक्टर भी निकाला। वैसे डिटर्मिनेंट से पहली रो हमारे A के कॉफिशेंट्स, दूसरी रो हमारे C वेक्टर के कॉफिशेंट्स, तो यहाँ पे भी एक्सपैंड किया, वैसे ही I का निकालना है तो I की रो, I का जो कॉलम है वो हटा के देन इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, बट RHS बोला क्या है कि A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C निकालो, तो A क्रॉस B का जो आंसर आया था उसमें आप A क्रॉस C का आंसर प्लस कर दो, कैसे करोगे, देखो ये था हमारे पास, ये A क्रॉस B है और हमारे पास ये A क्रॉस C के आंसर है, तो I कैप में I कैप वाला प्लस कर दो, ऐसे ही J कैप में J कैप वाले प्लस कर दो और K कैप में आप K कैप वाले प्लस कर दो। जब इनको ऐड करोगे तो आपके पास इस तरीके की वैल्यूज बनेंगी। अब आप वो LHS को देखो जहाँ पे हमारा आंसर आया था, ये वाला आंसर, इस पूरे को कंपेयर करोगे और जो हमारे पास यहाँ पे RHS में आया है वो दोनों बिल्कुल बराबर है। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स निकालने थे, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ लंबा है लिखने में, मुश्किल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपको 8th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आपके डॉट प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में भी था,
इसमें भी है, वहां पे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड था, इसमें क्रॉस से है। यहाँ पे बोला है कि इफ ईदर ए वेक्टर जीरो है एंड बी वेक्टर जीरो है, देन ए क्रॉस बी वेक्टर जीरो है। इज द कन्वर्स ट्रू? अगर हम इसका उल्टा करते हैं तो क्या वो भी ट्रू होगा? सो उल्टा करते हैं का मतलब क्या कि ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, ये उसका उल्टा हो गया। बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया। ए क्रॉस बी जीरो है, इसका उल्टा क्या होगा कि ए क्रॉस बी भी जीरो नहीं है। तो ये चीज वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल से प्रूव करो कि क्या ये सही है। तो कर लेते हैं। उसमें डॉट में भी देखो हमने दो वेक्टर सपोज किए थे, और यहाँ पे भी मैं दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सपोज कर रही हूँ। मैंने वहां पे भी बताया था कि ये मैंने किस तरीके से सपोज किए हैं कि अगर मैं आई कैप की आई कैप के साथ रेशियो लूँ, ए वन अपॉन ए टू लूँ, तो वो सेम आए किससे, बी वन अपॉन बी टू से और सी वन अपॉन सी टू से। तो ये चीजें मेरी सेम आए, इसलिए मैं ये इस तरीके से रेशो लेती हूँ कि वैल्यूज उस तरीके से आए, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों की देख लो आप, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ए कैप ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिया। अब बोला क्या है कि ए वेक्टर जीरो नहीं है, तो देखो यहाँ पे हमने ए वेक्टर को जीरो वेक्टर नहीं लिया है, हमने कुछ वेक्टर सपोज किया है। बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, तो हमने यहाँ पे बी वेक्टर को भी जीरो नहीं लिया, यहाँ पे कुछ सपोज किया। अब चेक करते हैं कि क्या ए क्रॉस बी भी जीरो नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी मतलब पहली रो सारे ए के कॉफिशेंट, दूसरी रो सारे बी के कॉफिशेंट, तो इनको सपोज करो। देखो अगर मुझे आई कैप निकालना है तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटाना पड़ेगा, तो आपके पास 3 × 4 − 6 × 2, इस तरीके से आपके पास 12 − 12 आ गया। ऐसे अगर मैं जे कैप का निकाल रही हूँ तो आप क्या करोगे, 2 × 4 − 4 × 2, फिर से आपके पास 8 − 8 आ जाएगा, वो भी जीरो बन जाएगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे के कैप का कॉफिशियंट निकालती हूँ तो के कैप के कॉफिशियंट के लिए जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो आपके पास क्या होंगे, 2 × 6 − 4 × 3, तो ये भी 12 − 12, तो बेसिकली ये जीरो ही बन रहा है। बट हमने क्या ऊपर लिखा था कि अगर ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, तो ए क्रॉस बी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो ट्रू नहीं आया, ए क्रॉस बी जीरो आ गया, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी थी वो स्टेटमेंट तो सही है, बट उसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो जीरो नहीं आया, ठीक है, सॉरी जीरो आ गया। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखिए। अब ये दो क्वेश्चंस आपके पास ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के बेसिस पे हैं, आपने कैसे इंप्लीमेंट करना है फॉर्मूला को सीखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। देखो आपको ट्राइंगल दे रखी है, ए बी सी वर्टिसेस दे रखे हैं। अब ट्राइंगल के फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 1/2 × a × b का मॉडुलस होता था, और a × b कौन सी होनी चाहिए, एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, साथ साथ वाली। तो एक साइड मैंने ए बी ले ली और इसके साथ वाली एक बी सी ले ली, तो ए बी को मैंने ए वेक्टर मान लिया, बी सी को बी वेक्टर मान लिया। अब पहले ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, यानी ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर में से बी में से ए माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे 2 − 1, 1 आई कैप, इधर 3 − 1, 2 जे कैप, इधर 5 − 2, 3 के कैप। ऐसे अगर मुझे BC निकालना है तो C में से B माइनस करना पड़ेगा, तो 1 − 2 माइनस आई कैप, इधर 5 − 3, 2 जे कैप, इधर 5 − 5, 0 के कैप, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या है, 1/2 a × b, तो पहले तो मैं a × b निकाल लेती हूँ। तो आई जे के कैप लिखा, A वेक्टर यानी कि ऊपर वाली लाइन जो है, फर्स्ट जो आपका रो आ रही है वो A के कॉफिशेंट्स, सेकेंड रो में आपके B के कॉफिशेंट्स, देन आपको a × b निकालना है। a × b यानी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कीजिए, ये तो आप निकाल सकते हैं। सो हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके a × b वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला में देखिए a × b के साथ मॉडुलस भी लगा हुआ है, सो हमने मॉडुलस भी निकालना पड़ेगा। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √x² + y² + z², तो ये हमारा −6x है, −3y है, 4z है। हमने इसका स्क्वायर करके ऐड किया तो √61 आया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो फॉर्मूला इज 1/2 a × b का मॉडुलस, तो 1/2 a × b का मॉडुलस क्या है, √61, सो 1/2 √61 है, 61 का रूट बाय 2, और साथ में हम क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी, ठीक है। अब इसी तरीके से लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन है।
कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है और आपको यहाँ पे सॉरी निकालना है, और आपको यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये आपको दे दिए, ठीक है। अब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अगर फॉर्मूला याद हो तो वो सिर्फ ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस होता है, ठीक है। तो पहले हमें ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा, यानी आए जे कैप करके यहाँ पे पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स, फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स, देन हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे जैसे हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड किया, हमारे पास जो ए क्रॉस बी है वो ये आ गया। अब उसका मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा एक्स है 20, वाई हमारा 5 है, जेड हमारा -5 है। तो यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर किया और हमारे पास अंडर रूट 450 आ गया। 450 के आगे प्राइम फैक्टर्स निकालिए, हमारे पास 15√2 स्क्वायर यूनिट्स, आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया हो गया, बिकॉज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास यही फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके आगे दो आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, आप वो ट्राई करेंगे। एंड प्लीज़ जो भी एमसीक्यू के क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, उन्हें छोड़ा मत कीजिए, मुझे बताया भी करो कि ये हमसे सॉल्व नहीं हो। सो आज का लेक्चर इतना ही, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।